नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप पुरानी से पुरानी टेबल को पहले से ज़्यादा मजबूत, टिकाऊ और सुंदर कैसे बना सकते हो। इस वीडियो में हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि पुरानी टेबल को नया कैसे किया जाता है, बट इसी मेथड का उपयोग करके आप पुराने दरवाजे को भी नया कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पुरानी टेबल को नया करने के लिए कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ी और इन मटेरियल का रेट क्या था, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि पुरानी टेबल को नया करने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले यदि हम मटेरियल की बात करें तो आपको सरमाइका सीट की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस सीट को हम सरमाइका सीट बोलते हैं। और सरमाइका सीट के प्राइस की बात करें तो मार्केट में आपको सरमाइका सीट 350 रुपए से लेकर, यानी कि 350 रुपए से लेकर 2000 के बीच मिल जाएगी। मार्केट में कई क्वालिटी की सरमाइका सीट उपलब्ध है, तो क्वालिटी के हिसाब से उनका रेट कम ज़्यादा हो सकता है। और यदि हम सीट के साइज की बात करें तो यह सीट 4 फीट बाई 8 फीट की है, बट टेबल में यह पूरी सीट उपयोग नहीं होगी और मार्केट में सनमाइका की इससे ज़्यादा छोटी सीट आती नहीं है, तो आपको एक पूरी सीट खरीदनी पड़ेगी। तो यदि हम इस सनमाइका के पूरे सीट के प्राइस की बात करें तो 1500 रुपये में हमें पूरी सीट मिल गई, जिसका साइज 4 फीट बाई 8 फीट है। सनमाइका सीट के बाद आपको फेविकोल की ज़रूरत होगी, क्योंकि सनमाइका को टेबल पर चिपकाने के लिए फेविकोल की ज़रूरत होती है। तो यदि हम फेविकोल के क्वांटिटी की बात करें तो एक टेबल में आपका 1/2 kg यानी कि 500 ml फेविकोल लग जाएगा। और 500 ml फेविकोल के प्राइस की बात करें तो आपको 90 रुपये से लेकर 130 रुपये 500 ml फेविकोल मिल जाएगा। तो यह फेविकोल हमें 130 रुपये का मिला है। फेविकोल और सनमाइका के बाद आपको बैंडिंग टेप की ज़रूरत होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो आप इस टेबल में देख सकते हैं कि चारों तरफ ये जो टेप लगाया गया है छोटे छोटे टुकड़ों में, इसको हम बैंडिंग टेप बोलते हैं। तो यदि हम बैंडिंग टेप के उपयोग की बात करें तो सनमाइका को फेविकोल से चिपकाने के बाद फेविकोल टेबल के साथ अच्छे से चिपक जाए, इसके लिए चारों किनारों पर बैंडिंग टेप लगाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बैंडिंग टेप की यदि हम प्राइस की बात करें तो मार्केट में आपको 25 रुपये से लेके 35 रुपये तक का टेप मिल जाएगा। और टेप का एक रोल आप ले लेंगे, उसी में आपका काम भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत बच भी जाएगा। तो यहाँ पे हमें 35 रुपये का टेप का एक रोल मिल गया था। तो चलिए हम फेविकोल, सनमाइका और बैंडिंग टेप का टोटल करके देखते हैं कि टोटल कितना खर्चा हो गया। बट टोटल करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से बनाया जाता है, यानी कि पुरानी टेबल को नया करने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले पुरानी टेबल पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूरी टेबल पर फेविकोल लगाया जाता है। आप देख लीजिए, पूरी टेबल पर अच्छे से फेविकोल लगाने के बाद सनमाइका के बॉटम में भी फेविकोल लगाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये सीट जो है इसके बॉटम में पूरा फेविकोल लगाया गया है। सनमाइका को टेबल के ऊपर कुछ इस तरीके से चिपका दिया जाता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि टेबल को मापकर सनमाइका की कटिंग की गई है, यानी कि जितनी लंबाई चौड़ाई में टेबल है ठीक उसी लंबाई चौड़ाई में सनमाइका की कटिंग करके उसके बाद फेविकोल लगाकर यहाँ पर चिपकाया जा रहा है। टेबल के ऊपर सनमाइका कुछ इस तरीके से लगाने के बाद सनमाइका को चारों तरफ से अच्छे से दबा दिया जाता है, यानी कि प्रेस कर दिया जाता है, जिससे फेविकोल के साथ अच्छे से चिपक जाए। और उसके बाद टेबल के चारों तरफ कुछ इस तरीके से बैंडिंग टेप से चिपका दिया जाता है। फेविकोल को अच्छे से सेट होने के लिए पूरे 8 घंटे की ज़रूरत होती है, तो 8 घंटे के लिए अच्छे से छोड़ दिया जाता है। 8 घंटे बाद बैंडिंग टेप को निकाल दिया जाता है और पुरानी टेबल मजबूत, टिकाऊ और बिल्कुल न्यू हो जाती है। सो यदि हम सनमाइका, फेविकोल, बैंडिंग टेप यानी कि मटेरियल पर होने वाले टोटल खर्च की बात करें तो टोटल करने के बाद 1665 रुपये यानी कि 1665 रुपये का खर्च हो गया। और इसके साथ साथ यदि हम लेबर चार्ज की बात करें तो मिनिमम 500 रुपये आपका लग जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा।
और यदि आप घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी कंसल्टेंसी से कांटेक्ट करके घर का नक्शा बनवा सकते हैं। कंसल्टेंसी का जो कांटेक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।